अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं, 17 सितंबर को पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा, पाकिस्तान में मुकाबला न्यूजीलैंड। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल जो आपका सेशन स्टार्ट करेंगे, सिंपल एक रिक्वेस्ट है कि अपने माइक काइंडली म्यूट रखें, और जिनको भी क्वेश्चन है वो अपने चैट बॉक्स में लिखते हैं या मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, मुहित शाह कादिर ख्वाजा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बस वालेकुम सलाम। एक तो ये बताएं कि ये T20 वर्ल्ड कप में जो टीम सेलेक्ट हुई है, आप समझते हैं कि इस काबिल है या इतनी कैपेसिटी है कि हम ऑल द वे जाएं, फाइनल खेलें, सेमीफाइनल खेलें या अच्छी परफॉर्मेंस दें? और दूसरा, ये जो न्यूजीलैंड की टीम है, आप समझते हैं कि ये इतनी स्ट्रांग इनफ है कि पाकिस्तान को कोई अच्छा चैलेंज पोज कर सके? थैंक यू। देखिए जी, जिस तरह बात की आपने टीम सिलेक्शन की, तो सबसे पहली बात तो ये मेरी डोमेन नहीं है, सिलेक्शन कमेटी की डोमेन है। उन्होंने टीम सिलेक्ट की और हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, और हमें फुली जो है वो बिलीव है अपनी टीम पे कि हम जो है वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। हम अच्छा खेल जो है वो पेश कर सकते हैं। और आप उठा के देख लें, जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने रिसेंटली या पास में उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है, तो इसीलिए जो है सिलेक्शन कमेटी ने वो टीम सिलेक्ट की है। और मुझे बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और दूसरा, जिस तरह बात की न्यूजीलैंड की टीम की, और मेरा ये मानना है कि कोई भी टीम जो है वो छोटी बड़ी नहीं होती। जब रस्से के अंदर आप चले जाते हैं तो सारे इक्वल होते हैं, और वही दिन जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सी टीम जीती है। तो उनकी टीम में इतना पोटेंशियल है कि वो हमें टफ टाइम दे सकते हैं, और ऑब्वियसली वो खेलते हुए हारे हैं ड्राई कंडीशन से। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में खेलते हुए हारे हैं, तो वो हमें टफ टाइम दे सकते हैं। शफीक राजा, अपना माइक काइंडली म्यूट कर लें जी। उसकी आवाज ख्वाजा इतनी ऊपर नहीं हो सकती, स्लो स्लो आवाज। जी, अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। अच्छा हसन, मेरा सवाल है कि आप लोग इस्लामाबाद में हैं अभी, और पिंडी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा ODI, और ये आपकी होम ग्राउंड भी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वहां पर खेलते रहे हैं, आप मेन स्ट्राइकिंग बॉलर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो इस कंडीशन के लिए आपने बेस्ट देने के लिए क्या गोल सेट किए हैं फॉर ODI सीरीज एंड फॉर वर्ल्ड कप? देखिए, यहाँ पे मैं मैचेस खेला हूँ, डोमेस्टिक स्पेशली मैचेस खेला हूँ, और PSL से मैच खेला था मैं शाहबाज अल्मी से, क्योंकि अभी तक चांस नहीं मिला इस्लामाबाद से खेलने का। और देखिए, चाहे कोई भी सीरीज हो, चाहे कोई भी वर्ल्ड कप हो, आपकी एज ए बॉलर आपका यही होता है कि मैं वहां पे परफॉर्म करूँ जहाँ पे हमारी टीम को जरूरत हो। तो मेरा गोल यही है कि अभी रिसेंटली मेरा कोई फोकस नहीं है वर्ल्ड कप के, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी उसमें कुछ दिन है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आप यहाँ से तैयारी शुरू करेंगे तो आप जो है वो वर्ल्ड कप में जाके कम्पीट कर सकते हैं। तो फोकस यही है कि जहाँ पे भी मुझे बॉल मिले, मेरा कप्तान मुझे बॉल दे, और मेरी कोशिश होगी कि वहां पे मैं विकेट लूँ और वहां पे परफॉर्म करूँ अपनी टीम के लिए। शफीक राजा, फिर शुएब जट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। हसन, एक तो ये बताइएगा कि फिलेंडर को बॉलिंग कोच मुकर्र किया गया है, फास्ट बॉलर हैं खुद ही बड़े जबरदस्त, और आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले उनको मुकर्र किया गया, तो कितना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी उनसे सीखने की? दूसरा ये बताएं कि एज ऑलराउंडर आपने पिछले कुछ एक अर्से में स्टेटमेंट दी थी कि आपने आपको स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कोशिशें, वो काबिशें आपके अभी भी जा रही हैं एज ऑलराउंडर अपने आप मनवाने की? देखिए, फ्लैंडर नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी हुई अपनी कंट्री के लिए, और वी ऑल नो के बहुत अच्छे बॉलर हैं। और रही बात की कि कितना आप फायदा उठा सकते हैं, देखें इट्स टू अर्ली कि मैं बोल दूं कि बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास वर्ल्ड कप के लिए, और आई डोंट नो कि वो कब ज्वाइन करेंगे हमें, और फिर क्या हमारे प्लान्स होंगे, क्या डिस्कशन होगी। अभी बहुत अर्ली कहना है कि हम उनसे फायदा उठा सकेंगे, बट नो डाउट इज अ ग्रेट बॉलर, और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई अपनी टीम के लिए, और एंड आई होप कि हमें बहुत मजा आएगा उनके साथ काम करने का। वी लुकिंग फॉरवर्ड, और एज ए बॉलिंग यूनिट वी आर एक्साइटेड कि एक नया चैलेंज आ रहा है हमारे लिए, और फॉरन जो है वो बॉलिंग कोच आ रहे हैं हमारे लिए, और वी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ आपका। हाँ, ऑलराउंडर जिस तरह आप बिल्कुल देखें, ये कोई प्रोफेशनल
प्रोग्रेस होता है और किसी भी प्रोग्रेस के लिए आपको थोड़ा टाइम जो है वो चाहिए होता है, और मैं अभी भी जो है वो उतनी एफर्ट कर रहा हूँ नेट्स में, और जिस तरह बॉलिंग कर रहा हूँ उसी तरह बैटिंग पे भी फोकस है, और मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी बैटिंग डे बाय डे इम्प्रूव करूँ, और जिस जो कि बहुत हद तक हो भी रही है, और इसी को जो है वो अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू करूंगा ताकि तीनों फॉर्मेट में जो है वो एक अच्छा ऑलराउंडर बन सके। ये साहब बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही, इनका म्यूट है। मोहम्मद शफी राजा शुएब को मेरा ख्याल है आवाज नहीं आ रही, हम आगे चलते हैं। अरफा आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, अरफा फिरोज फ्रॉम जियो न्यूज। हसन भाई बैटिंग की तो आपने चलो बात कर दी है, लेकिन बॉलिंग आपकी माशाल्लाह से कमबैक है, बहुत ही कमाल की आपने परफॉर्मेंस दी है। तो जब भी कोई सीनियर परफॉर्म करता है तो यंगस्टर्स जो है वो उसकी तरफ देखते हैं। हमने हमारे पास मोहम्मद वसीम है, हारिस रऊफ है, हसनैन है, शाहनवाज है जो आपकी टीम में इसी स्पॉट में है, तो उनके साथ जो वो क्या आप सिखाते हैं उन्हें, या वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं, ये एक रिलेशनशिप किस तरह है, किस तरह उन्हें जो अपना जो एक जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आप उन्हें किस तरह जो है वो बताते हैं? बिल्कुल, देखिए जब भी हमारी बात होती है चाहे मीटिंग में हो या चाहे ऑफ द फील्ड या ऑन द फील्ड हो, तो आई ऑलवेज देयर फॉर द जूनियर्स, और मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से पता है किस तरह जूनियर्स को टैकल करना है या किस तरह उनको समझाना है, क्योंकि जब मैं आया था टीम में तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे सीनियर्स लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया, और मैंने ये सीखा उन लोगों से कि जूनियर्स को किस तरह जो है वो समझाते हैं, किस तरह उनके साथ बात करते हैं। तो जब भी अगर शाहनवाज दानी हो, हारिस रऊफ की बात की आपने, या वसीम हो, तो हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन होती है, और उनको जो भी किसी किस्म का भी जो भी प्रॉब्लम होता है तो उस पर हम बात करते हैं, और कोशिश यही होती है कि जो सीखा है अपने सीनियर से वो उन तक जो है वो पहुंचाया जाए। सुबह पाशा और फिर उस्मान खान। अस्सलाम वालेकुम हसन, ये बताइएगा कि आपकी विश है बेस्ट ऑलराउंडर बनने की, और अभी आपके असिस्टेंट कोच अब्दुल रजाक जो कि एक बहुत अच्छे बेस्ट ऑलराउंडर है स्पेशली वाइड क्रिकेट के, तो आप इसको अपना गोल अचीव करने में कितना फ्रूटफुल समझते हैं, और इंडिविजुअली आपकी इसमें कितनी प्रोग्रेस हो सकती है, और अब्दुल रजाक से आपकी क्या गोस्पिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है? बिल्कुल, देखिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो हमारे बेस्ट ऑलराउंडर हमारे पास में रह चुके हैं अब्दुल रजाक भाई, वो उन्होंने टीम को ज्वाइन किया रिसेंटली, और हम ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया हुआ है, जिस तरह हार्ड हिटिंग है और जिस तरह क्रीज पे बैलेंस रख के आप हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, ऑलरेडी हम उनके साथ काम कर रहे हैं रजाक भाई के साथ, और बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए, और स्पेशली जो पाकिस्तान के करंटली ऑलराउंडर है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और देखते हैं हम नेट्स में कि जिस तरह रजाक भाई अपनी एफर्ट जो है वो लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत हमारी तो यही कोशिश होगी कि वो टीम के साथ रहें और जब तक भी रहें और हमसे उनसे जितना भी फायदा हो सके उतना ही कम है, क्योंकि वी नो कि उन्होंने पास में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं पाकिस्तान के लिए। उस्मान एंड देन शुएब। अस्सलाम वालेकुम हसन, अच्छा क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि मिसबा और वकार जो हैं वो चले गए हैं, तो वकार यूनिट की कैंप के मौजूदगी आप कितना मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने काफी आपको गाइड किया आपके करियर के अंदर, एक थोड़ा सा ये बता दें, और सेकंड ये बताएंगे कि आपकी एक्टिंग स्किल्स हमने देखी हैं, बॉलिंग स्किल्स तो हम देखते ही रहते हैं लेकिन एक्टिंग स्किल्स देखी हैं जिसपे काफी लोग इम्प्रेस भी हुए हैं, तो क्या फवाद आलम की तरह आपने फिल्मों में जाने का इरादा तो नहीं रखा हुआ पास आगे जाके? देखिये जिस तरह आपने पहला क्वेश्चन किया मिसबा भाई का और वकार भाई का, मेरे लिए ऑनेस्टली थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि वर्ल्ड कप जो है वो आ रहा है लेकिन इस टाइम पे ऐसे नहीं था होना चाहिए चेंज, बट मैं फिर से वही बोलूंगा कि ये हमारी डोमेन नहीं है एज ए प्लेयर, ये पीसीबी की चेयरमैन की या जो पीसीबी के जितने भी बड़े और दौरान प्लेयर लोग हैं उनका है ही कि वो किस मैनेजमेंट को लेके आते हैं, कब लेके आते हैं, हमारा काम है परफॉर्मेंस देना और अपनी टीम को जितवाना, और विक्की भाई मेरे रोल मॉडल हैं, और मैंने विक्की भाई को पहली दफा टीवी पे जब बॉलिंग करते हुए देखा तो मैंने तभी बोल दिया था कि मैं बॉलिंग करूंगा, और मैं उनको बहुत एडमायर करता हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ है कि मैंने अपने रोल मॉडल के साथ जो है वो
काम किया. ऑब्वियसली मैं उनको मिस करूंगा और बट ये है कि अभी एज ए प्रोफेशनल यू हैव टू मूव और मेरी बेस्ट विशेज हैं दोनों के लिए कि उनके अपकमिंग जितने भी जो भी गोल्स हैं या जो भी उनके फ्यूचर्स में प्लान है अल्लाह ताला उनको कामयाब करें. और रही बात एक्टिंग की, देखें हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जो है वो स्किल होती है और थैंक यू सो मच कि आपको मेरी एक्टिंग भी अच्छी लगी है. बट अभी तो मेरा कोई फोकस नहीं है एक्टिंग करने पे और मुझे नहीं लगता है कि मैं फ्यूचर में जाके भी एक्टिंग करूंगा. बट अभी मेरा फोकस है वो क्रिकेट पे है. बट आई डोंट नो कि बाद में लाइफ कहाँ पे किस तरफ लेके जाती है. अस्सलाम वालेकुम जट साहब, क्वेश्चन ये है कि 2017 में आखिरी मर्तबा जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान टकराया था आप लोगों ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था और अब वर्ल्ड कप में पहला मैच ही इंडिया के साथ होगा, तो उस हाई वोल्टेज मैच की तैयारी किस हद तक है और क्या पाकिस्तान की यूएई में वर्ल्ड कप में बॉलिंग जो है फास्ट वो ट्रम्प कार्ड होगा या हमारे स्पिनर्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर वहां परफॉर्म कर सकते हैं? अपनी स्ट्रेंथ आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की? थैंक यू जट साहब. देखिए बिल्कुल जो 2017 में मैच हुआ फाइनल हम जीते वहां से और बहुत अच्छा टाइम था वो और हमारी कोशिश यही होगी कि हम फिर से जो है वो इंडिया को हराएं. और बिल्कुल देखें ये एक प्रेशर गेम होती है, बहुत दुनिया में सबसे ज़्यादा मैच यही देखा जाता है और फिर इधर यहाँ से भी प्रेशर होता है पाकिस्तान से, फिर इंडिया से भी प्रेशर होता है. तो बहुत सारे लोग जो यानी ये मैच देखते हैं, स्पेशली वो लोग भी देखते हैं कि जिन्होंने कभी पूरे साल में कोई मैच नहीं देखा होता लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते हैं. और हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो है वो मैच जीतें और बस जीते मैच जैसे भी करके. और दूसरी रही बात, देखें यूएई ड्राई कंडीशन है हमें पता है और वहाँ पे अगर आप किसी भी टीम का स्क्वाड उठा के देख लें तो उन्होंने 2 से 3 जो है वो स्पेशली स्पिनर डाले हुए हैं. तो इसका मतलब यही है, साफ जाहिर होता है कि स्पिनर्स वहाँ पे डोमिनेट करते हैं. बट अगर कोई फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है वेरिएशन के साथ बॉलिंग करता है तो वो भी इफेक्टेड हो सकता है. और हम लोग काफ़ी क्रिकेट खेले हुए हैं यूएई में, एक टाइम पे हमारा होम था यूएई और हमें पता है कि उस कंडीशन में किस तरह बॉलिंग की जाती है. तो एज ए फास्ट बॉलर जो है वो हमारे गोल सेट हैं कि हमें किस तरह वहाँ पे बॉलिंग करनी है और किस तरह टीम को जितवाना है. Urba Shafkat, can you hear us? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया हसन अली. आज हमारा ट्रेनिंग सेशन है वही टाइम 4:30 बजे और फिर इंशाल्लाह रहेगा.